ढाबा के मसाला दम आलू वाह कितने लाजवाब होती हैं। एक बार हम खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल के मसाला दम आलू की रेसिपी। एक बार आप इन्हें घर पे बनाएंगे ना तो सब उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हल्के उबले हुए आलू लिए हैं, यानी कि 30-40% आलू को बॉईल करके रखा है हमने। और यहाँ मैं एक फॉर्क के नाइफ की मदद से इन आलू में हल्के हल्के छेद कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आलू को 30-40% इसलिए बॉईल किया है, एक तो ये बहुत क्रिस्पी बनकर आते हैं इससे, दूसरी बात हम जब इन्हें डीप फ्राई करेंगे तो बहुत आसानी से डीप फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हम यहाँ पे इसमें छेद इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी अच्छी तरीके से सिक कर आए और एकदम मसाला वगैरह इसमें अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए ताकि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगे। अब मैं एक कढ़ाई गैस पे रखती हूँ, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ। सरसों का तेल मैंने रखा है। तब तक यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेती हूँ, इसमें मैंने ये टमाटर अदरक और प्याज लिए हैं जिन्हें टुकड़ों में कट करके रखा है, वो इसमें डाल देती हूँ। और ये 2 से 3 लाल मिर्च लिए हैं, साबुत लाल मिर्च छोटी वाली, इन्हें पानी में पहले कुछ देर के लिए भिगो दिया था, वो इसमें मैं डाल देती हूँ। साथ में मैंने एक बड़ी इलायची को छील के इसके अंदर के जो पीसेस होते हैं, वो दाने जो होते हैं, मैंने इसमें डाल दिए हैं। एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 लौंग इसमें डाल दिए। ऐसे खड़े मसाले डाल के पीसने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा बनकर आता है, तो ये सब डाल के मैं पीस लेती हूँ। अब यहाँ मेरा सरसों का तेल भी गर्म हो गया है, तो ये जो आलू हैं उनको मैं डीप फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस को जैसे मीडियम रखा है। अभी एक बार जब थोड़ा थोड़ा सिकने को हो जाए, जैसे कि अभी हम थोड़ा सिकने देते हैं, इनको पलट पलट के एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना होता है। तो जैसे ही हमारे ये हल्के हल्के सिकने लगे, ऐसे इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है, तो मैं गैस को थोड़ा सिम भी कर दूंगी और फिर इनको डीप फ्राई करूंगी ताकि ये अंदर तक एकदम क्रिस्पी सिककर हमारे तैयार हों। और यहाँ जब तक मैंने बाकी चीज़ों का पेस्ट बनाकर तैयार कर ही लिया है। फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, जो थम्स अप बटन है आपको बस वो प्रेस करना है। अब जो जो मेरे आलू बिल्कुल अच्छे से डीप फ्राई होते जा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, उनको मैं बाउल में निकालती जा रही हूँ। ऐसे करके सारे आलू डीप फ्राई करके मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये सारे मेरे दम आलू जो हैं, वो दम आलू के जो आलू हैं वो सारे डीप फ्राई हो गए हैं, इनको मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब ये बचा हुआ ऑयल है, उसी में अगर ज़्यादा है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो उसी में मैंने जीरा डाला और 1 से 2 स्पून मैंने इसमें डाला बेसन। ज़्यादा बेसन नहीं डालना होता, बस 1-1.5 स्पून ही बेसन डालते हैं और इसे खूब अच्छी तरीके से भूनते हैं। बेसन डालने से क्या होता है, इसकी जो थिकनेस है मसाले दम आलू की, बहुत अच्छी आती है ग्रेवी में और स्वादिष्ट भी बहुत लगते हैं। दोनों ही रीज़न है बेसन हमारे डालने के, लेकिन बेसन को आपको ध्यान रखना है कि खूब अच्छे से भूनना है, क्योंकि जितने अच्छे से आप बेसन भून के रखेंगे उतने ही स्वादिष्ट और उतनी ही अच्छी थिकनेस इसमें आती है। तो जब मेरा ये बेसन भून जाए, उसके बाद ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था पीस के, वो इसमें मैं डाल देती हूँ और इसे खूब अच्छे से चलाती हूँ, अच्छे से भून लेती हूँ। इसकी जो खुशबू है वाओ कितनी अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें हमने खड़े मसाले भी पीस के डाले हैं तुरंत की तुरंत, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने ये लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया, साथ में कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर इसमें डाल देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर मतलब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें यूज़ किया है, और आप जैसा भी यूज़ करना चाहें कर सकती हैं। गैस को थोड़ा मीडियम रखती हूँ और मीडियम गैस पर भी इसे खूब अच्छे से, ताकि सारे मसाले टमाटर वगैरह सब अच्छी तरीके से इसमें भून जाएँ, क्योंकि जितने अच्छे से आप इन्हें भूनेंगे उतने ही स्वादिष्ट ये मसाला दम आलू और बिल्कुल ढाबा स्टाइल के बनकर तैयार होते हैं। यही स्पेशल ट्रिक्स होती है ढाबे की, जिससे उनके मसाला दम आलू कितने स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से हमारा भून चुका है, आप जैसे देख ही सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली मैंने इनको भून लिया है। अब यहाँ मैंने दही लिया है, तो दही इसमें मैं डाल दूंगी, लेकिन दही डालने से पहले आपको क्या करना था, गैस को बंद कर देना था या बिल्कुल सिम कर देना था। गैस को बिल्कुल सिम या बंद करके ही आप इसमें दही डालें और इसको एक बार चलाएं, फिर आप गैस को थोड़ा तेज़ करके इसको चलाते रहें। जैसे हमने गैस को सिम किया, दही डाला, फिर इसको चलाया और फिर इसको चलाते रहना है, गैस थोड़ी मीडियम या तेज़ कर देनी है, और जब तक इसमें खटका ना आने लगे हमें इस टमाटर की ग्रेवी को बिल्कुल चलाते रहना है। अब जैसे कि इसमें हल्का हल्का बॉयल आने लग गया है, तो इसमें अब हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं और इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने ये बात इसलिए बोली कि अगर तुरंत अगर आप ऐसे दही डालते हैं तेज़ गैस में, तो कई बार चांसेस होते हैं कि दही फट जाता है, जिससे आपकी सब्जी जो है, ग्रेवी जो है, वो बिगड़ सकती है।
इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक और गरम मसाला डाल देती हूँ और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसमें खूब अच्छे से उबाल ले लेती हूँ। तो दही डालते वक्त आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है, गैस एकदम सिम करके उसे चलाते रहना है जब तक इसमें एकदम उबाल ना आ जाए। और फिर इसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा और उसके बाद इसमें खूब अच्छे से उबाल आने दी और ये आलू जो है वो इसमें मैं डाल देती हूँ। ये सारे आलू भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको अब मैं खूब अच्छे से मिक्स करते हुए इसे खूब अच्छे से कुक करती हूँ, पका लेती हूँ। गैस को थोड़ा सिम करके इसे ढककर पका लेती हूँ ताकि ये आलू जो है सारी अपनी ग्रेवी मसाले वगैरह एब्जॉर्व कर लें और एकदम परफेक्ट ढाबा स्टाइल दम आलू जो है वो बनकर तैयार हों। और आप देख सकते हैं कितना ऑयल भी छोड़ दिया हमने, जबकि ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था। और देखिए कितने बढ़िया मसालेदार और एकदम थिक ग्रेवी के साथ ये जो है दम आलू बनकर तैयार हुए हैं, आप देख ही सकते हैं। तो अब मेरी ये जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है, आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल ग्रेवी वगैरह आलू वगैरह कितने आपस में एकदम मिक्सअप हो चुके हैं। तो ये मेरी परफेक्ट ढाबा स्टाइल दम आलू बिल्कुल रेसिपी तैयार है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ, इसको आप चाहें तो एक मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ दीजिए और फिर आप देखिए इसकी ग्रेवी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। और आप थिकनेस के लिए गाढ़ी कतली आप अपने हिसाब से भी इसकी रख सकती हैं, ये थोड़ी ऑप्शनल भी होती है। अब मैं इसको सर्व करूंगी और धनिया पत्ती से गार्निशिंग करूंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये स्पेशल मसाला दम आलू की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप इसे अपने घर पर बनाएं और इन्जॉय करें। बाय बाय।